गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द हार्डवेयर एंड व्हाट इज द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हार्डवेयर। जो भी कंप्यूटर के पार्ट, जो भी फिजिकल पार्ट जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, दैट कॉल्ड द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, यानी कि जो भी मशीनरी होती है कंप्यूटर की वो कहलाती है आपकी हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर जिसको आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मेन डेफिनेशन है। सो यू कैन टच एंड फील दैट कॉल द हार्डवेयर, एंड हार्डवेयर इज द मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन। एंड सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट टच बट यू कैन सी, दैट कॉल द सॉफ्टवेयर। तो जो भी आपको दिखाई देता है कंप्यूटर में वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी देख सकते हो और हार्डवेयर टच कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस जनरली यूज फॉर इनपुट योर डाटा इन कंप्यूटर। जो भी डाटा आपका कंप्यूटर में भेजा जाता है वो भेजा जाता है इनपुट डिवाइस के द्वारा। तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस यू कैन सेंड योर डाटा इन कंप्यूटर। अब वो डिवाइस कौन कौन से होते हैं, दो चीजें या दो डिवाइस से तो आप काफी परिचित होंगे, जिनमें है एक है आपका कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में करते हो टाइप, और माउस से क्या करते हो, कोई आपको फाइल खोलनी है, फोल्डर खोलना है, तो ये आप यूज करते हो माउस का। तो माउस एंड कीबोर्ड ये दोनों ही आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल। तो इनके बारे में हम बात करें कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कौन कौन से इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड की, जो मैंने आपसे कर दी है। कीबोर्ड में की होती है, और कीबोर्ड जो होता है आपका उसमें सबसे ऊपर होती है फंक्शन की, F1, F2, F3, इस टाइप की होती है आपकी की। दूसरी उसके नीचे होती है आपकी अल्फाबेटिक की, जिसमें A, B, C, D, E, F, G इस टाइप से होती है आपकी की। तीसरी राइट हैंड साइड में होते हैं आपके नंबर्स, जिसमें कि आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होती है आपकी नंबर की। तो अल्फाबेट की होती है, नंबर की होती है, जिनको कि आप टाइप करके प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे ही आपकी कुछ होती हैं फंक्शन की, तो मैंने बता दिया आपको। नीचे कुछ होती हैं आपकी ऑल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, ये भी कुछ एडिशनल काम आती है। जैसे कि आपको किसी का डाटा पूरा सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल की दबाएंगे और ए दबाएंगे तो आपका सारा का सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा उस सॉफ्टवेयर का। नीचे आपकी शिफ्ट की भी होती है, और साइड में नीचे आपकी एरो की होती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। वहां से आप लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम अपने कर्सर को कहीं पर भी कंप्यूटर में चला सकते। सेकेंड इनपुट डिवाइस था माउस। माउस जो है वो आपका यूज किया जाता है किसी भी डाटा के लिए, किसी भी डाटा को इनपुट कराने के लिए, लेकिन वो अलग तरह से होता है। जैसे आप कोई फोल्डर ओपन करना है, इफ यू वांट टू ओपन सम फोल्डर देन वी कैन यूज द माउस। कोई आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो भी आप माउस का यूज करेंगे, उस कंडीशन में आप माउस से राइट क्लिक करेंगे।
जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, उससे आप फाइल ओपन कर सकते हो और अपने कर्सर को माउस के द्वारा घुमा सकते हैं, जिससे आपका कर्सर कहीं पर भी जा सकता है, मूव कर सकता है। तो आप अपने कर्सर को कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। अगला है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक यूज टू प्ले द गेम, सो विद द हेल्प ऑफ यू कैन प्ले द गेम जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से क्या कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो। कोई भी आपको गेम खेलना है तो आप जॉयस्टिक से कर सकते हो। तो जॉयस्टिक आपका आता है गेम खेलने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अगला है आपका टच पैड। आपने लैपटॉप अगर देखा होगा तो लैपटॉप में कीबोर्ड तो होता ही है, उसके साथ में माउस के लिए भी टच पैड होता है, जिससे आप अपनी उंगली घुमाते हो और आपका जो माउस है, माउस का जो कर्सर है, वो कर्सर इधर उधर घूमता है। तो आप ये भी कर सकते हो। तो टच पैड का जो यूज है वो आप माउस की तरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है, आपने मोबाइल को देखा ही होगा, सो यू कैन पुट इनपुट विद द हेल्प ऑफ टच। आप टच स्क्रीन के द्वारा अपना इनपुट दे सकते हो, जैसे कोई आपको मोबाइल में एप्लीकेशन खोलनी है तो आप मोबाइल स्क्रीन पर अपनी उंगली पे क्लिक करोगे उंगली से और वो स्क्रीन आपकी, वो एप्लीकेशन आपकी खुल जाएगी। तो आप मोबाइल पे अपनी उंगली घुमाओगे तो जो भी आपकी ऐप है वो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आप अपनी उंगली से इधर उधर घुमा सकते हैं। और कोई भी ऐप आपको ओपन करनी है तो आप अपनी उंगली रखेंगे उस पर और आपकी जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी। तो ये कंप्यूटर में भी होता है, टच स्क्रीन आपकी कंप्यूटर में भी आती है। अब बात करूंगा मैं लाइट पेन। लाइट पेन एक ऐसा पेन होता है कि जिसमें जिससे आप कुछ भी लिखते हो वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो आप नीचे कुछ भी लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, तो वो होता है आपका लाइट। तो ए लाइट पेन लुक्स लाइक ए पेन दैट कैन बी यूज्ड ऑन ए स्पेसिफिक पैड, व्हेरेवर यू राइट ऑन दिस पैड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। लाइट पेन इज ओनली यूज्ड फॉर सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर पर आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं माइक्रोफोन। देखिए माइक्रोफोन क्या होता है, जब आप मोबाइल से बात करते हो तो जो आपकी आवाज है जो जाती है हो जाती है माइक्रोफोन के द्वारा। माइक्रोफोन में आप बोलते हो, आपकी आवाज जाती है और किसी दूसरे पर्सन को सुनाई देती है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां मैं माइक्रोफोन लगा कर सकता हूं। अभी तो मैं ब्लूटूथ की तरह काम कर रहा हूं तो ये भी माइक्रोफोन की तरह ही है। तो माइक्रोफोन जनरली होता है आपकी आवाज को इनपुट कराने के लिए। आप कंप्यूटर में से यूज कर सकते हो माइक्रोफोन को, मोबाइल में कर सकते हो। तो ये होता है माइक्रोफोन। अब आता है स्कैनर। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ए योर और योर फोटोग्राफ एंड नाउ यू वांट टू सी दिस फोटोग्राफ ऑन द कंप्यूटर, सो हाउ कैन यू, सो द स्कैनर इज यूज्ड टू स्कैन योर इमेज एंड गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर। So you can see your image or photo on the computer. आप अपने कंप्यूटर पर अपने फोटोग्राफ को देख सकते हैं। आप जो है अपना फोटोग्राफ रखिए स्कैनर पे और आपका फोटो आपके कंप्यूटर पर दिखाई देगा। वहाँ आप उसको चाहे तो एडिटिंग भी कर सकते हैं या और भी काम कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे डिजिटल कैमरा के बारे में। तो जो आपका कैमरा है जिससे आप फोटो खींचते हो वो कहलाता है आपका डिजिटल कैमरा। कैमरे का आपने यूज किया होगा तो कैमरे की मदद से आप फोटो को कर सकते हो इनपुट। आप उस पर क्लिक कीजिए और आपका फोटो जो है कैमरे से खींचेगा और आपके अंदर जाएगा। कंप्यूटर के अगर आप उसे डाटा केबल से कनेक्ट कर देंगे तो आप अपने कैमरे को केबल से लगाइए और आपका जो फोटोग्राफ है अपने कंप्यूटर के अंदर आप उसे ले जा सकते हैं।
ये है आपका डिजिटल कैमरा। ऐसे होता है आपका वेब कैम, जो आपका वेब कैम होता है, वेब कैमरा भी जो आपका यूज होता है वो भी आपका वीडियो के रिकॉर्ड के लिए। सो यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियो विद द हेल्प ऑफ वेब कैम। वेब कैम के द्वारा आप अपना वीडियो कर सकते हो रिकॉर्ड। तो ये है कुछ आपके इनपुट डिवाइस। और हम बात करेंगे आज प्रोसेसिंग डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। तो बाकी हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।